नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर मुंगेर से है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान फरार नक्सली पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। पप्पू यादव के साथ दो अपराधी भी गिरफ्तार हुए हैं। पप्पू यादव की योजना बांका के बेलहर में एक व्यापारी के घर डकैती डालने की थी। डकैती डाले जाने की योजना से जुटे अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर बड़ी वारदात को टाल दिया गया है। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने क्या कुछ बताया, देखे इस रिपोर्ट में। रामपुर थाना क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों के जमावड़े की सूचना थी कि वो किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं। एसडीपीओ तारापुर के नेतृत्व में गठन किया गया एक टीम का, जिसमें थाना अध्यक्ष खड़गपुर, गंगटा एवं जिला सूचना इकाई के लोग मौजूद थे। उनके द्वारा जब छापामारी की गई तो वहाँ से अपराधी पप्पू यादव, चंदन भगत और श्याम सुंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक 7.65 mm की पिस्टल, दो देसी पिस्टल, एक मैगजीन तथा दो गोलियां बरामद की गई हैं। पप्पू यादव का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वो हत्या, डकैती और भाकपा माओवादी के साथ भी जुड़े हुए इसके खिलाफ मामले थे। पूर्व में खड़गपुर में पुलिस के ऊपर एक हमला हुआ था, उसमें भी ये प्राथमिकी अभियुक्त था। इसकी गिरफ्तारी हमारे लिए बड़ी सफलता है। ये भाकपा माओवादी के लिए लेवी भी चार्ज करने का काम करता था, साथ में अवैध खनन के भी इसके ऊपर चार्जेस थे। श्याम सुंदर सिंह और चंदन भगत के घर में जो है मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। इसके यहाँ एक तहखाने में अपने घर से ही उस चीज़ का संचालन करता था तथा हथियार मुहैया कराता था। जो पकड़े गए अपराधी हैं उनके ऊपर मुंगेर जिला, जमुई पुलिस तथा बांका पुलिस तीनों के यहाँ केसेस दर्ज थे। और पूर्व में एक कारोबारी के यहाँ एक बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया था बांका जिला में, तो उसमें भी ये लोग शामिल थे। इनकी गिरफ्तारी एक मुंगेर पुलिस के लिए बड़ी सफलता है।